हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिक्स इजी ट्यूटोरियल। ये एक डाउट आया था ऑनलाइन, सो इसका सोल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। सो कोलिजन हुआ है यहाँ पास एक हेमिस्फेयर और एक बॉल के बीच। सो सबसे पहले हम एक फ्री बॉडी डायग्राम टाइप ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज वर्टिकल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज द लाइन इन विच कोलिजन टेक्स प्लेस, और ये उसके ठीक परपेंडिकुलर लाइन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा एंड दिस इज ऑल्सो थीटा। अब अगर हम लोग बॉल की बात करते हैं तो फॉर बॉल वो ऊपर से जस्ट कोलिजन के पहले उसकी स्पीड लेट से वी थी, और कोलिजन के जस्ट बाद उसकी वेलोसिटी लेट से वी टू हो जाती है। ओके, वी और वी टू हमने मान लिया है क्योंकि आंसर इन पे डिपेंड नहीं करेगा। सो अगर हम लोग और कोलिजन के ठीक बाद हेमिस्फेयर का भी लिख लेते हैं, और हेमिस्फेयर कोलिजन के ठीक बाद हेमिस्फेयर की स्पीड भी V2 में डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं तो हमें मिलेगा फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। ठीक है, नाउ अलोंग दिस एक्सिस, ये एक्सिस वो एक्सिस है जो ठीक कोलिजन के परपेंडिकुलर हुआ है। सो इन अलोंग दिस एक्सिस द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल विल बी जीरो। सो बॉल का मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ उस डायरेक्शन में चेंज होता है जिस डायरेक्शन में कोलिजन हुआ है, उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोमेंटम चेंज नहीं होगा। सो हम उस डायरेक्शन के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आएगा ये वेलोसिटी वी है और ये वेलोसिटी v2 है। सो आई विल राइट v साइन थीटा, साइन थीटा क्योंकि यहाँ एंगल इस साइड है इस साइड नहीं है, इज इक्वल टू v2 cos थीटा। सो यहाँ से हम लोग का आंसर आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू v2 अपॉन v। अब हमें v2 निकालना है। सो नाउ वी विल अप्लाई द एनर्जी कंजर्वेशन। सो इनिशियल एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल एनर्जी है हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यू विल गेट वी टू इज इक्वल टू वी अपॉन रूट टू। ओके, नाउ वी विल पुट द वैल्यू इन टेन थीटा इक्वेशन, टेन थीटा वाला इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। सो वी विल गेट वी अपॉन रूट टू इंटू वी, सो ये आ जाएगा वन बाय रूट टू। सो दिस इज द एंसर। सो हमने तीन कॉन्सेप्ट लगाए हैं इसमें। पहला जो कॉन्सेप्ट हमने लगाया है दैट इज कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया है, इससे हमें ये पता चल गई कि वी टू स्पीड अगर हमने माना है बॉल का हॉरिजेंटल में तो हेमिस्फीयर का स्पीड भी वी टू दोनों इक्वल होगा। दूसरा हमने ये लगाया कि कोलिजन के डायरेक्शन के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बॉल का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, क्योंकि बॉल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कोलाइड करता है, जिस डायरेक्शन में कोलिजन होता है उसके परपेंडिकुलर में कोई मोमेंटम चेंज नहीं होता है, तो उसका हमने वेलोसिटी का कंपोनेंट इक्वल कर दिया। सो उससे हमें टेन थीटा का इक्वेशन निकल गया। एंड फाइनली एज पर क्वेश्चन सेज कि कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, सो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी विल गेट कंजर्व, इससे हमें वी टू निकल गया और हमने पुट कर दिया और हमारा फाइनल आंसर वन बाय रूट टू आ गया। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस डाउट। आप अपना डाउट पोस्ट करते रहिए, मैं इसी तरह वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूँगा और आपका डाउट क्लियर होता रहेगा। ओके,